मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं या फिर हीरो बनूं, फिल्मी लाइन में आऊं, सिंगर बनूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो पापा के पास तो उतना पैसा है नहीं। वो अपने माता पिता का सम्मान कर सबसे पहले 2016 से गाना गा रहा हूँ निरंतर। मेरा शौक है कि मैं भोजपुरी फिल्म में जाऊँ, बहुत शौक है। हिंदी फिल्म में शौक नहीं, मुझे भोजपुरी में जाने का शौक है। यहाँ का सबसे बड़ा मेला लगता है और वहाँ पे एक हमारे मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बाबा भोलेनाथ का, जिसे हरिहरनाथ के नाम से सभी लोग जानते हैं कि बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग खेले। नहीं पढ़ना है मुझे प्यार के पीछे, लड़के तो अपने फायदे के लिए जीते। नहीं मिला ऐसा ना जो केयर कर पाएगा, कि जो भी लड़की का नखरा उठाएगा परफेक्ट बॉयफ्रेंड कहलाएगा। अपने सारे गायकों को भी ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप सब जो है समाज के लिए अच्छे अच्छे गीत गाएं। चांद जैसा रुकवा मैंने राजकुमार आर पांडे जी सर के कंपनी के लिए मैंने गाया था। जब मैं शो देखती थी टीवी पे तो मैं सिस्टर बोलते थे इतना एक्साइटेड है, मैं बोली हाँ, और वो गीत मैं गा नहीं सकता अभी क्योंकि वो लॉन्च नहीं हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन जब आएगा मार्केट में तो आप सब जरूर सुनेंगे। अपना परिचय दीजिए। नमस्ते प्रणाम, हम भोजपुरी लोक गायक साहिल पटेल तमाम भोजपुरी श्रोतागण के प्रणाम करतनी, और आज जो भी हमें देख रहे हैं इस न्यूज़ के माध्यम से उन सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं प्रीति तिवारी, और जो भी हमें देख रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी होली। आप एक भोजपुरी गायक होली का बिल्कुल। मैं जिला छपरा से पहले तो बता दूं आप सबों को बिलोंग करता हूं, और मेरा क्षेत्र सोनपुर पड़ता है जहां एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, और वहां पे एक हमारे मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बाबा भोलेनाथ का, जिसे हरिहरनाथ के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हिट, और जब भी होली की बात आती है हम सबों के बीच में तो वहाँ एक दो लाइन सबसे पहले गुनगुनाते हैं हम सब। आइए आज आप सब दर्शकों को भी सुनाऊं, आप सबों को भी कि बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग खेले। बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग खेले। बाबा हरिहरनाथ, बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग खेले। बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में रंग खेले। तो ये गीत सबों की जुबान पे आता है सबसे पहले हमारे क्षेत्र से। हाल ही के दिन में भोजपुरी का क्रेज काफी हो रहा है, कितना खड़े हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहले का दौर था नदिया के पार जैसे फिल्म आते थे, गाने आते थे, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन ना दुल्हा, और आज अलग अलग तरीके के गाने आते हैं। आज के भी जो गाने बन रहे हैं टाइप का मानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ, और ऐसा नहीं कहता कि मुझसे भी कोई गलती ना हुआ हो। हो सकता है कि बचपन में मुझसे भी गलती हुई होगी, लेकिन उसे सुधारने का मैं, और मैं सभी दर्शकों को और मैं अपने सारे गायकों को भी ये आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप सब जो है समाज के लिए अच्छे अच्छे गीत गाएं, क्योंकि भोजपुरी बहुत ही मीठी शब्द है और ये देश विदेशों में बोला जाता है, तो इसे हम लोग या हम सभी मिलकर इसे गंदा ना करें, अच्छा अच्छा गीत गाएँ।
और मेरे बहुत अच्छे अच्छे गीत भी हैं, आप सब YouTube पे सुन सकते हैं। चांद जैसा रुकवा मैंने राजकुमार आर पांडे जी सर के कंपनी के लिए मैंने गाया था, जो चिंटू के पापा हैं उनके लिए मैंने गाना गाया था। और एक मेरा और भी अभी अपकमिंग जो कि वीडियो किंग डायरेक्टर माने जाते हैं दीप श्रेष्ठ सर, उनकी कंपनी के लिए भी मैंने एक बहुत ही अच्छा गाना गाया है, जो कि वो तो सभी उनको जानते हैं और वो गीत मैं गा नहीं सकता अभी क्योंकि वो लॉन्च नहीं हुआ है यूट्यूब पे, लेकिन जब आएगा मार्केट में तो आप सब जरूर सुनेंगे। आप गाना कब से गा रहे हैं? लगभग मैं 16 से गाना गा रहा हूँ, 2016 से गाना गा रहा हूँ मैं निरंतर। आपकी एजुकेशन क्या हुई अभी? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बॉटनी ऑनर्स से मैं BSc कर चुका हूँ। आपने मतलब ये सॉन्ग वाली फिल्में की हुआ है, मतलब आप संगीत का ही क्यों बने, और भी कुछ बन सकते थे, या आपका हम लोग जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सब्जेक्ट क्या था आपका? हर इंसान का एक अपना अपना मंजिल होता है, जहाँ जाना होता है उस तरह से अपने हिसाब से वो रास्ता चुनता है। मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ या फिर हीरो बनूँ, फिल्मी लाइन में आऊँ, सिंगर बनूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो पापा के पास तो उतना पैसा है नहीं, था नहीं कि मैं डॉक्टर बन पाऊँ। तो मैं बचपन में गाता था, जब छोटा सा था तो मैं गाना जब गाता था तो मुझे 5-10 रुपये जब मिलता था तो मुझे बड़ा खुशी होता था। तो इस लालच से नहीं कि 5-10 रुपये मिलता था, मैं खुश होता था कि लोग मेरे गाने को सुन के खुश हो रहे हैं, वो मुझे सम्मान दे। फैमिली सपोर्ट मिला? हाँ, फैमिली सपोर्ट मिला, लेकिन मैंने फैमिली के एक भी पैसे को गलाया नहीं। मैं अपने मेहनत से और दर्शकों के प्यार से आज जो भी पेरेंट्स की धारणा होती है कि संगीत और अकला से क्या होगा, काफ़ी मदद मिली है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है सीखना पड़ेगा, आपको भी कभी ऐसा लगा? मुझे रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे मैं मेहनत करता गया, कर रहा हूँ और करता रहूँगा, तो मैं अपने रास्ते को आसान मेहनत से कर दूँगा। पेरेंट्स इसकी कैसे देखते हैं? मेरे पेरेंट्स अच्छे नज़रिए से देखते हैं, मेरे पापा एक ड्राइवर हैं, तो मैं उनसे कह नहीं सकता कि मुझे पापा फिल्म बनाने के लिए इतना पैसा दीजिए। तो मैं अपना दिन रात मेहनत करता हूँ और मैं अपने मेहनत से और अपने दर्शकों के प्यार से मैं जो सोचा हूँ, जो मेरा सपना है, वो मैं पूरा करूँगा। आपके तो आप ही वहाँ जो फिल्म बनाना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने कहाँ चले, किसके पास पहुँचे, ये आपको बताइए। अगर वो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो वो एक्टिंग सीखें, अगर सिंगिंग में जाना चाहते हैं नवयुवक या जो नए भाई आते हैं, तो आजकल ज़रा कॉमन हो गया है, कोई भी व्यक्ति का गाने का मन किया तो गया, कहीं भी गा लिया, लेकिन बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। तो मैं अपना गुरु दो लोगों को मानता हूँ, बादल बवाली जी और सुमित श्री बाबा, उन्हें और उनसे सीखता हूँ, सीखूँगा और जीवन भर सीखूँगा। तो नए लोगों के लिए सिर्फ इतना मैसेज कि आप लोग कम्प्लीटली जो भी है सीखें आप सब, उसके बाद इसमें अपना जो भी है कदम रखे, सोच समझ के रखे। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप एक पल के लिए टूटेंगे भी, लेकिन अगर आप में हौसला है तो आप जरूर आगे बढ़ें। COVID-19 था, फिर से आ गया, इसमें COVID-19 था तो उसमें विश्व पर सारे चीज बंद थे, तो उसमें आप लोग क्या कर रहे थे, मतलब उसमें आप कैसे गुजारा कर रहे थे? अगर जो भी मैं इतना ज़्यादा पॉपुलर हूँ नहीं कि कंपनी मुझे पैसे प्रोवाइड करे, मैं परफॉर्मर हूँ, स्टेज करके या शो वगैरह करके, इवेंट करके जो पैसे आते थे उसमें कुछ रखना भी है, हर कोई रखता है अपने जीवन के लिए, सेव करता है थोड़ा सा, उसी सेविंग मनी से कोरोना में हम लोगों का जीवन यापन हुआ। और उसके बाद सारे लोग तो मरे ही मरे, सारे गरीब मरे, अमीर गरीब सब इसमें सम्मिलित था, लेकिन सबसे ज़्यादा मरा मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिया से, मैं नहीं कहता कि हर कोई के नज़रिए से, जहाँ तक मेरा सोच है, कलाकार मरा, क्योंकि उसे कोई भी सहायता नहीं मिला। किसकी तस्वीर में आप शो कर चुके हैं? मैं लगभग दिल्ली, MP, UP, बिहार, बेंगलोर, मुंबई, इन सब जगहों में शो कर चुका हूँ। सबसे ज़्यादा सराहना कहाँ मिला आपको, किस स्टेट में? मुझे दिल्ली और MP में काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। कभी सोचा आपने हिंदी फिल्म में? मैं हिंदी गाना भी एक्चुअली गाता हूँ, मैं साई रिकॉर्ड है जो कि अच्छी कंपनी है मुंबई की, दामोदर भैया का, जब भी मैं मुंबई जाता हूँ तो एक दो गीत गाता हूँ मैं हिंदी। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान यही है कि मैं अपना मेहनत ना छोड़ूँ और मेहनत करते रहूँ और दर्शकों का प्यार पाऊँ और अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत करते रहूंगा, एक ना एक दिन जो मैं सोचा हूँ वो पूरा करूँ, यही प्लान है मेरा।
मैं आप दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक्ट्रेस प्रीति तिवारी हूँ, अभी मैं न्यू हूँ। मैं प्रॉपर तो बलिया से बिलोंग करती हूँ, बट हम पूरी फैमिली दिल्ली में रहते हैं, हम सब दिल्ली में रहते हैं। मैडम आप बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, बहुत सा कॉम्पिटिशन है, और भी अच्छे हैं जो भी एक्टर हैं, कैसे अपना पाएंगे, कैसे अपना स्थान बना पाएंगे? मेहनत के आगे कुछ भी नहीं होता, मेहनत ही तो करेंगे ना, मेहनत ही करेंगे और मेहनत के आगे जीत होती है। किनसे इंस्पायर होकर आप एक्टिंग फील्ड में आई हैं? किनसे इंस्पायर होकर आप एक्टिंग फील्ड में आई हैं? सर मेरी सिस्टर, मुझे जब मैं शो देखती थी टीवी पे तो मेरी सिस्टर बोलती थी इतना एक्साइटेड है, मैं बोली हाँ, तो दीदी बोलती थी तुझे जाना है क्या इसमें, बोली हाँ, तो मतलब मेरी दीदी इनको जानती थी तो दीदी ने उनसे इनसे सर तो गाना भी गाते हैं, आप गाना गाते हैं? हाँ, तो मैं गाने गाने की इसने मेरे साथ गाना भी गाया है, एक रोमांटिक सॉन्ग। क्या आप एक सॉन्ग सुना सकती हैं? अभी उतनी अच्छी आवाज नहीं, फिर कोशिश जो भी है वो सुना दीजिए, जो मैंने इनके साथ गाया है वही सुना। ठीक है, आप दोनों साथ में भी गा सकती हैं? हाँ, अभी हाल ही में एक रिलीज हुआ था, उससे पहले भी एक बहुत अच्छा एल्बम रिलीज हुआ था, परफेक्ट बॉयफ्रेंड। बजाऊंगा क्या? वो गाओ फिर मैं आपको कॉपीट करता हूँ। वो सुर की लाइनिंग थी, नहीं करना है मुझे, नहीं पढ़ना है मुझे, नहीं पढ़ना है मुझे प्यार के पीछे, लड़के तो अपने फायदे के लिए जीते, नहीं मिला ऐसा ना जो केयर कर पाएगा, कि जो भी लड़की का नखरा उठाएगा परफेक्ट बॉयफ्रेंड कहलाएगा, जो भी लड़की का नखरा उठाएगा परफेक्ट बॉयफ्रेंड कहलाएगा। इनका गाना मेरे साथ ही आया यूट्यूब पे भी है, और खुद उसने एक्ट भी किए हैं। ये इस गाने का मेन है कि मतलब जो भी लड़की का नखरा उठाएगा परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनेगा। हाँ, रियल में भी हमको लगता है कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसी से बड़ा बोला, इसीलिए हम लगता है कि मतलब लड़कियों का भाव इसी कारण बढ़ जाता है। नहीं, लड़कों का भी भाव बढ़ा रहता है, ऐसा नहीं कि मैं पक्षपात करूं, लेकिन केयर करने की बात नहीं है, आप ये गाना ही ऐसा है, मतलब सेंस में ही गाना है कि लड़के का नखरे उठा हुआ है परफेक्ट गाना, मगर केयर करना कोई गलत बात नहीं, मतलब वो एक बात बता रहा हूं, केयर करना अलग चीज होता है। तो नहीं, नखरे नहीं उठाना है, केयर ही उठाएगा क्या जी? केयर तो कोई ऐसे भी करता है, तो उस सपोज दैट उसी को अब जैसे रिलेशनशिप में लॉयल कौन होता है, लड़के या लड़की? क्या रिलेशनशिप में लॉयल कौन होता है, लड़के या लड़की? और रिलेशनशिप में लड़के नहीं नहीं दोनों होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि उन दोनों का प्यार ना टूटे या ज़्यादा दिन तक रिश्ता चले तो दोनों का जो है विश्वास सबसे बड़ा जो होता है वो होता है विश्वास, तो वो रहे तो दोनों तरफ से बराबर चलता रहेगा। ऐसे नहीं कहिए, गाना आपका काफ़ी हिट होगा बॉलीवुड भी है आपको इस गाने के लिए बताएगी कितनी फिल्म में चाहत तो रहेगा ही रहेगा। कंपनी छोटा है जिस कंपनी से फिलहाल मैं अभी इस गाने को गाया था फन म्यूजिक से, लेकिन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक रुपए लेके शायद आए थे और देखा तो नहीं था जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, लेकिन आज इतना बड़ा प्रॉपर्टी की है तो मैं उसे छोटा कैसे कहूँ, हो सके ब्लास्ट कर जाए, बड़ा हो जाए तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। आपके यंग आने वाले यंगस्टरों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो जो भी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर चाहे वो हिंदी के श्रोता हों भोजपुरी के, वो अपने माता पिता का सम्मान करें सबसे पहले। संस्कार अगर मतलब जो कहते हैं हमारे बिहार के माटी में भोजपुरी में कि इस लोग कहते हैं कि इनमें संस्कार की कमी है इस वजह से ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले अगर किसी को दर्जा देना है भगवान से भी पहले तो पहले अपने माता पिता को दो मेरे भाई, क्योंकि वो अगर हम लोगों को जन्म दी है तभी हम लोग ईश्वर को जाने हैं, आपको दोस्तों को, तो हमारे लिए सबसे पहले पूजनीय माता पिता हैं। उसके बाद जो इंसान माता पिता को समझ गया उन्हें किसी चीज़ को समझाने की आवश्यकता नहीं, वो फिर सब कुछ ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। मान लीजिए माता पिता के सम्मान की बात करें, आपने एक्टिंग करने की इच्छा, एक्टर बनने की इच्छा, ये माता पिता करेंगे तो तुम्हें नहीं बनना, सम्मान करना है, फिर ये फैसला कैसे लेंगे? नहीं तो वो एक अलग ट्रेंड है और ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, पर्सनल और क्या पर्सनल सम्मान की बात, फैसला लेना मुश्किल हो जाता है।
माता पिता सलाम करना है आपकी एक्टिंग कभी अपना एक्टर बने धन संकट की बात होती है बट वो रियल लाइफ में जो दिखाया जाता है हम लोग प्रेरित करते हैं दर्शकों को रियल लाइफ से रियल लाइफ को तो उसमें सम्मान हम लोग तो जोड़ ही सकते हैं ना ताकि लोग अच्छा हम लोग जो गाते हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए गाते हैं। मैंने डीडी बिहार पे एक गाना गाया था कि जब से आईली तो हर रानी हम तो हो गई नी नौकरानी तोहरा रानी के बानी न सहाई बबुआ याद करो कैसे पोसली तोहर माई बबुआ। तो ऐसे ऐसे भी गीत मैं दर्शकों के बीच में गाया हूँ डीडी बिहार से विरासत चैनल है जिससे मैं गाया हूँ तो रील और रियल में बहुत सारा फर्क है तो हम लोग रील लाइफ ज़्यादा जीते हैं। लेकिन टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी लोग हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से दूरियां भी होती हैं लेकिन उन सबों को मैं ध्यान देता नहीं हूँ। मेरी लाइफ में दो पार्ट ऐसे हैं जब मैं एक बार बैंगलोर शो करने गया था तो मेरे साथ बड़ा दुखद घटना हुआ तब से मैं टूट गया था कलाकारों के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी हुआ था और जिसको मैं जान से ज़्यादा मानता था दोस्त भी था वो मेरा लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करवाएगा। फिर मैं चेन्नई एयरपोर्ट से रोते हुए लाइव आया था रेलवे स्टेशन से तो मुझे उत्तर प्रदेश के एक मेरे भैया हैं अभिषेक पटेल जी जनपद न्यूज के वो एडिटर भी हैं और वो अभी दो चार दिन पहले उनके स्टूडियो का उद्घाटन हुआ राज डिजिटल स्टूडियो का। उन्होंने सबसे पहले पटेल फिल्म्स पटना में भट्टाचार्य रोड तरफ निप्पो बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पर मेरे लिए डाला था। फिर मैं मुंबई गया सारे उन्होंने मेरे दर्द को समझा कि क्या पीड़ा है बताओ और उन्होंने मेरे बातों को भावनाओं को समझ के मुझे मेरे लिए उन्होंने कंपनी ही खोल डाला पटेल फिल्म्स। फिर मैं मुंबई गया फिर मैं प्रियंका सिंह जी के साथ गाना गाया निशा दुबे जी के साथ गाना गाया अंतरा सिंह प्रियंका जी के साथ गाना गाया शिल्पी राज जी के साथ गाना गाया लेकिन फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिससे हम लोगों के बीच में दूरी आई। अभी सब कुछ अच्छा है और फिर मेरे और एक और सहायक बने जिगर रत्तानी सर जो गुजरात के प्रोड्यूसर हैं उनका मंत्रा म्यूजिक कंपनी है। अभी तीन लैंग्वेज में वो कंपनी चलती है मंत्रा म्यूजिक भोजपुरी मंत्रा म्यूजिक हिंदी और मंत्रा म्यूजिक पंजाबी। तो इन लोगों ने मुझे खूब सारा प्यार दिया और आपस में जो कुछ होता रहता है छोटा समझ के बोलना पड़ता है। बहुत अच्छा लगेगा मेरे को अच्छा लगेगा मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा मेरी फैमिली का बड़ा बहुत सपना था ये कि मेरी बेटी उस लाइन में जाए बड़े स्क्रीन में और आगे क्या इच्छा करते हैं फ्यूचर में बॉलीवुड में मेरा शौक है कि मैं भोजपुरी फिल्म में जाऊँ बहुत शौक है हिंदी फिल्म में जाने का शौक नहीं मुझे भोजपुरी में जाने का शौक है। इनको अपने मात्र भूमि से प्यार है मुझे भोजपुरी में जाने का।